ऐसे दिन यहाँ चल रही श्री रामचरित कथा में मनुष्य की इंद्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। नगर के भीमसेन पावन धाम मंदिर में आयोजित की जा रही श्री रामचरित मानस की कथा में यहाँ बैठे भक्तों को बताया गया कि सुख दुख से ऊपर उठने के लिए पहले यह जानना होगा कि आखिर सुख और दुख है क्या। खा अक्षर दोनों में समान है। खा कहते हैं इंद्रियों को, जिसमें पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां व एक मानवता है। तू कहते हैं अच्छा लगने को, वो कहते हैं बुरा लगने को। अतः जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख और जो अच्छा ना लगे वह दुख कहलाता है। यह उद्गार नगर के भीमसेन मंदिर में चल रही श्री रामचरित मानस कथा में छठवें दिन पंडित आचार्य शशिकांत रामायणी मंजेश ने व्यक्त किए। आचार्य ने कहा कि असलियत में ये सुख दुख मन के ही ख्याल होते हैं। मन में जब अच्छा ख्याल आता है तो हम सुखी हो जाते हैं और जब बुरा ख्याल आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यह तब तक होता है जब तक हम मन के कहने पर चलते हैं। मन जैसा कहता रहता है हम वैसा करते रहते हैं। इस प्रकार मन हमारा स्वामी बना रहता है। वहीं आचार्य ने कहा कि सुख दुख से ऊपर उठने का तरीका है मन में आने वाले ख्यालों के साक्षी हो जाओ। सुख दुख के बीच समता के भाव में आ जाओ के लिए परमात्मा का हर पल शुक्रिया करते रहो। हमेशा ध्यान रहे कि परमात्मा की बनाई सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं होता है। भक्ति का नजरिया ही उसको अच्छा या बुरा बताता है। कथा के दौरान ऑर्गन पर गोपाल जी, तबला पर रजन लाल चौरसिया और पैड पर राजा सेंगर ने आचार्य का साथ दिया। आज प्रसाद का वितरण पवन कुमार माहेश्वरी द्वारा किया गया है।